नमस्कार, आप देख रहे हैं रिबॉस न्यूज़ और मैं हूँ सरफराज आलम। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ जहां सरकार और जिला प्रशासन तरह तरह के कार्यक्रम कर लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही है, दूसरी ओर एक अनोखी तस्वीर सहरसा में देखने को मिली, जहां सहरसा बस्ती में जो है समाजसेवी अवेश करनी उपचुनाव द्वारा जो है वैक्सीन लेने वाले लोगों को गिफ्ट देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और वैक्सीन लेने की और लोगों से भी अपील कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये शिविर आयोजित की गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पर शिविर लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल की टीम वहाँ पर मौजूद है और जो वैक्सीन लेने के लिए जो लोग आए हैं वो उन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, उन लोगों को प्रेरित किया। देखिए किस तरह से जो वैक्सीन लिए हैं उनको उपहार दिया जा रहा है, वैक्सीन लेने के बाद उन लोगों को प्राइज दी जा रही है और प्रोत्साहित किया, वैक्सीन के प्रति जागरूक की जा रही है। ऐसी तस्वीर जो है वो सहरसा के सहरसा बस्ती से निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो लोगों की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से जो लोग जागरूक है, जागरूक नज़र आ रही है वैक्सीन के प्रति। एक तरफ जिला प्रशासन जो है वो तरह के कार्यक्रम कर जो है कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही है, कोविड वैक्सीन लेने की अपील कर रही है। लोगों में कहीं ना कहीं अब जागरूकता दिखना शुरू हो गया है। कोरोना से बचाव का एकमात्र जो है उपाय वो वैक्सीन है, हर एक व्यक्तियों को ये वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ समाजसेवी अवेश करनी उपचुनाव जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये जो कार्यक्रम रखी गई है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और आगे भी क्या इस तरह का ये कार्यक्रम जो है वो करते रहेंगे। जी बताइए, एक अनोखी कार्यक्रम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन के बारे में जो एक अफवाह हमारे समाज में फैल चुकी थी, उस अफवाह को दूर करने के लिए लोगों में उत्साह बढ़े इसके लिए कुछ कुछ गिफ्ट देते हैं, तेल है, साबुन है, पेस्ट है, ताकि लोगों में उत्साह हो। और ये सब महंगा आइटम है, लोगों में वो होता है कि वैक्सीन तो लेना ही है और गिफ्ट भी मिल रहा है, जिससे उसके अंदर समाज में भी इस प्रकार का एक फैला है कि नहीं, सुई लेना ज़रूरी है, जान बचेगा, देश बचेगा, उसकी अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए तेल देते हैं लोग, लंबा कतार लगा हुआ है सुई लेने के लिए। क्या लग रही है आपको, लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक नज़र आ रहे हैं? बहुत जागरूक हुआ, बहुत जागरूक हुआ, पहले इसके बनिस्बत अब बहुत जागरूक हुआ। शुरू शुरू में जो सुई को देख के भाग जा रहा था, दीवार तरफ जा रहा था, अब दीवार तरफ के आ रहा है सुई लेने के लिए। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ वैक्सीन को लेकर अफवाह में लोग अभी भी रह रहे हैं, वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। मेरे यहाँ लगभग 35,000 की आबादी है, वार्ड 6 वार्ड मिला के इस गाँव है। अभी देख लीजिए महादलित मोहल्ला से आए हुए सब माँ बहन मुसलमान समुदाय से भी आई हुई है, अब चारों तरफ जागरूकता फैल गई है और ये गिफ्ट के कारण और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया है। ये लगातार आप लोग का इस तरह का कार्यक्रम कंटिन्यू 7 दिन से चला आ रहा है, 7 दिन से कंटिन्यू चला आ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए, बहुत 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 जागरूक हुआ। क्या आप एक भी वार्ड पार्षद है, आप अपने वार्ड में अपने स्तर से क्या जागरूकता के लिए क्या किया आपने उसको लेकर? सबसे बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रोत्साहन दे करके लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। पहले लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, अब जो है लोगों का कतार लगा हुआ है वैक्सीन लेने के लिए। चूँकि लोगों को प्रोत्साहन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उन लोगों को हम लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो ये गिफ्ट को भी देख करके लोग वैक्सीन लेने के लिए इच्छुक हो रहे हैं और हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसा है जो गिफ्ट दे के हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं। तो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, दिक्कत नहीं है। जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उन लोगों को भी जागरूक करके हम लोग वैक्सीन दिलाने का काम कर रहे हैं, आगे भी और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा हम लोगों का। जिन इलाकों में अफवाह फैली हुई है उन इलाकों में आप लोग फैला रहे हैं, उन इलाकों में भी लोगों को जाके हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि ये तीसरा लहर जो आने वाली है, ये तीसरा लहर बहुत खतरनाक लहर है, तो जो लोग वैक्सीन लेंगे वही इस लहर में बच पाएंगे। इस लेकर के लोगों को जागरूक कर करके लोग को समझाएं बुझाएं, तब लोग भी लंबी कतार लगा करके लाइन में लग करके वैक्सीन ले रहे हैं। किस तरह से आप लोग को सहयोग? जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, जहां भी जो जिस वक्त कैंप लगाने के लिए बोलते हैं जिला प्रशासन के सहयोग से वहाँ कैंप लगता है और लोग वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन ले लिए सर जी आप? वैक्सीन लिए? हाँ। क्या मिला आपको वैक्सीन के तौर पर? कुछ गिफ्ट वगैरह सब मिला है? तेल है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अब वैक्सीन के प्रति जागरूक नज़र आ रहे हैं। जिन इलाकों में जो वैक्सीन के प्रति अफवाह फैली हुई थी, अब कहीं ना कहीं वो अफवाह जो है अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक हो रहे हैं, समाज सेवी भी इस पर वैक्सीन के प्रति बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाए किस तरह से, देखिए किस तरह से वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस तरह से वैक्सीन लेने वाले जो लोग हैं उन लोगों को पहले वैक्सीन दिलवा कर जो है उन्हें उपहार गिफ्ट उन्हें
दी जा रही है, ताकि वो आगे भी ये संदेश जो है आगे भी लोगों को देता रहे और वैक्सीन के प्रति लोगों को प्रेरित करता रहे, ताकि वैक्सीन जो है कोरोना से बचाव का एकमात्र जो उपाय है वो वैक्सीन है, और वैक्सीन हर एक लोगों को लेना अनिवार्य है। जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रही है। कोविड वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से टोले 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 मोहल्ले में घूमकर जो है लोगों को कोरोना का टीका दिलवाने का काम जो है वो जिला प्रशासन कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह का कार्यक्रम का में जो है और कितने लोग सामने आते हैं, और इनसे प्रेरित होकर और कितने लोग जो है इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को प्रेरित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।